नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान का अपडेट। खबर आ रही है उदयपुर से। उदयपुर में उदयलाल अंजना के ऑफिस पर आयकर विभाग की कार्रवाई की खबर आ रही है। राजस्थान में ईडी के बाद अब आयकर विभाग की एंट्री हो गई है, इसको लेके खबर आ रही है। मेरे साथ जुड़े हैं मनु जी। मनु जी, क्या अपडेट, क्या खबर? देखिए, उदयपुर से बड़ी खबर निकल करके आ रही है ताहिर। एक बड़ी खबर यह है कि जब ईडी की जब पहले एंट्री हुई थी सीधे तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर आवास पर, अब उसके बाद में काफी विरोध हुआ उसका, और अब जो एंट्री हुई है वो इनकम टैक्स की एंट्री हुई है। इस बार बताएंगे कि जो राजस्थान के सहकारिता मंत्री हैं उदयलाल अंजना, इनके 8 जगहों पर प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स की। वहां पर जांच पड़ताल और सर्वे की पूरी कार्रवाई हो रही है, ये सूचना मिली है प्रारंभिक तौर पर। लेकिन वहां जो उदयपुर के अंदर जो इनके सीए का ऑफिस है, अकाउंट्स ऑफिस जो सीए का है, वहां पर टीम अभी पहुंची थी सबसे पहले, और वहां से जानकारी हासिल हुई मीडिया को कि सीधे तौर पर वहां कार्रवाई की गई है। शटर बंद करके और अंदर इनकम टैक्स के पूरे अधिकारी और जो जितने भी लवाजमा है वो सारा अंदर जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन प्रदेश भर में 8 स्थानों पर जानकारी आ रही है कि वहां पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें जयपुर का आवास भी उनका शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे कि उदयलाल अंजना राजस्थान के उन सबसे ज्यादा पैसे वाले, जिनको बोल सकते हैं सबसे बड़े, क्योंकि 2018 में जो चुनाव आयोग के अंदर जो एक हलफनामा देना पड़ता है उसके अंदर सबसे ज्यादा लगभग करीबन 108 करोड़ की अचल संपत्तियां और उन्होंने अपनी शो करी थी। तो सबसे बड़े अमीर जो हैं विधायक राजस्थान के और जो बाद में मंत्री बने हैं निम्बाड़ा से, और वो बताए जा रहे हैं। तो जिसके अंदर सबसे बड़ी कार्रवाई जो आज इनकम टैक्स की हुई है वहां पर हो रही है, और अब क्या खुलासा होगा ये तो नहीं कह सकते। लेकिन ताहिर, राजनीति इसके ऊपर ज्यादा गरमाने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि ईडी की जब एंट्री हुई थी तो उसके बाद में भी बड़ी राजनीति हुई थी। अब इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, सीधे तौर पर मंत्री के आवास, उनके जो दफ्तर हैं, उनके जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं, उन सब क्या वहां पड़ताल चल रही है। तो अब इसको लेकर के भी राजस्थान के अंदर राजनीति गरमाएगी। जो सूचना मिल रही है वो ये है कि इनका एक चेतक एंटरप्राइजेस लिमिटेड करके एक फर्म है जिसके माध्यम से सारा काम होता है इनका, और ये पूरे भारत के अंदर इनका काम है इस एजेंसी के माध्यम से। ये इसके मालिक यही बताए जाते हैं, इनके परिवारजन बताए जाते हैं। तो उसके ऊपर ये कार्रवाई है, उसी की जांच पड़ताल चल रही है। तो लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि राजस्थान के अंदर और कितने लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मनु जी, जी जैसे कि बिल्कुल खबर बताएं। आ रही है कि आयकर विभाग का ये मतलब कार्रवाई या आप कह सकते हैं छापेमार कार्रवाई कह सकते हैं, या फिर इसको सर्वे कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इनकम टैक्स छापेमार कार्रवाई तो नहीं करते, सर्वे करते हैं ज्यादातर। सर्वे इन पहले सर्वे बोलती है, में सर्वे करके फिर उसके कार्रवाई बाद में उसको तब्दील कर देंगे। जी करते हैं, तो 8 राजस्थान में लगभग 8 जगह पर ये सर्वे की कार्रवाई चल रही है। तो उन 8 जगह में कहाँ कहाँ है अभी, या सिर्फ उदयलाल देखिए, अंजना के ही प्रारंभिक ठिकानों पर चल रही प्रारंभिक है? केवल एक अभी उदयलाल अंजना जो सहकारिता मंत्री हैं उनके चित्तौड़ के अंदर और निम्बाड़ा में जहां उनके आवास जो बने हुए हैं, वहां जो दफ्तर बने हुए हैं वहां पर है। उदयपुर की सूचना मिली है, जयपुर के अंदर उनका जो आवास है वहां भी टीम है, तो वहां भी सर्वे की कार्रवाई है। तो कुल मिलाकर के 8 जगह बताए जा रहे हैं, जो सूचना मिल रही है कि 8 स्थानों पर उनके यहाँ पर कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स की। तो उसी के आधार पर ये जो आगे आने वाले समय में इस पर जो बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर आपने देखा होगा पहले गोविंद सिंह डोटासरा, पहले जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो उनके ऊपर सीधे कार्रवाई हुई ईडी की, उसको डोटासरा है लेकर के जो काफी गहलोत, जी गहलोत जी के बिल्कुल बेटे के गहलोत थे, के उनकी बेटे नोटिस में हैं, है वैभव ना, गहलोत है, वैभव उनको ईडी गहलोत का है। संबंध का जी नोटिस जी दिया हुआ जी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी निकटवर्ती दिनेश कौड़निया जो जी डूंगरपुर से जो बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ भी जी सीधे तौर पर कार्रवाई हुई थी ईडी की। अब ये माना जा रहा है कि आने जी वाले समय में पेपर लीक का मामला हो, चाहे आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो, जहां भी होगा सीधे तौर पर अब केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं सीधे तौर पर कार्रवाई कर रही है। और कांग्रेस जन का आरोप भी है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, परसों भी बोला उन्होंने कि जैसे ही कांग्रेस बड़ी घोषणाएं करेंगी, यानी जो सीधे पब्लिक से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी जो घोषणाएं होंगी, उसके बाद में उन्होंने अंदेशा साफ तौर पर जताया था कि कहीं ना कहीं और मंत्रियों के ऊपर भी कार्रवाइयां हो सकती है। अब कितने लोगों पर कार्रवाई होगी ये नहीं कह सकते, ये मुख्यमंत्री का आरोप भी था। तो अब माना जा रहा है कि इसको लेकर के भी काफी कांग्रेस जन विरोध कर सकते हैं आने वाले समय में। जी ताहिर, तो हम ये मान लें, तो क्या ये माना जा सकता है कि राज्य में अब चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनावी शंखनाद चल रहा है ना, हर पार्टी ने अपनी अपनी रणनीतियां बदल ली है, हर पार्टी अपनी तरीके से रणनीति बना रही है, तो ये छापेमार का जो मुद्दा है वो एक धीरे धीरे अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है,
या फिर राजनीति से प्रेरित ही है? देखिए, राजनीति से प्रेरित आप हम इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जन चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाएं, क्योंकि इनकी जांच जो है पहले से शुरू हो रही है। इनकम टैक्स सीधे तौर पर कोई आज ही जाकर के, और इन्होंने कोई आज ही सीधी कार्रवाई कर दी हो, ऐसा नहीं है। पहले से सारे सबूत और पूरे दस्तावेज खंगालने का काम, उनका ट्रैकिंग, ये सब कुछ पहले से शुरू हो जाती है। अभी इन्होंने कब से शुरू करी है, कब से इनको कोई, मान लो हो सकता है पहले नोटिस भी दिया हुआ हो, उसके बारे में जांच पड़ताल हो। दूसरी ओर जहां ईडी की कार्रवाई हुई, तो सीधे तौर पर देखा जाए तो पेपर लीक का मामला राजस्थान के अंदर लंबे समय से चल रहा है, 2020 से चल रहा था। उसके बाद में लगातार करीबन 15 जगहों पर ईडी ने अलग अलग जगह से दबिश दे करके लोगों से पूछताछ करी है, उनमें से बाबूलाल कटारा आज भी अंदर है। तो उन लोगों से जो जानकारियां मिल रही है उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जाने कलाम इंस्टीट्यूट के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करी, वहां से जो सबूत मिले होंगे या कुछ जानकारियां मिली होगी उसके बाद में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप अब इसका आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरह से अब सामने आ रही है कार्रवाइयां, उसको लेकर जरूर राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। जी ताहिर जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक कार्रवाइयां हैं। अब जैसा भी कर सकते हैं कि उदयलाल अंजना की अगर हम बात करें, उदयलाल अंजना को क्या इस तरीके की कार्रवाई या इस तरीके की चीज से अगर हम एक राजनीतिक प्रोफाइल के तौर पर देखें, तो क्या इसका वो राजनीतिक लाइफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? क्योंकि हम कार्रवाई पे सवाल नहीं उठा रहे, हम कार्रवाई पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो चूंकि एक प्रोसेस होता है जिसको सिस्टम फॉलो करती है, सिस्टम एजेंसियां सिस्टम फॉलो करती है, उनको फॉलो करती है। हम ये कह सकते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा टाइमिंग पे है। देखिए ताहिर, मैं बताना चाहूंगा जो पहली कार्रवाई हुई ईडी की, तो गोविंद सिंह डोटासरा है खुद अभी प्रत्याशी, उनको घोषित कर दिया गया है कांग्रेस ने, लक्ष्मणगढ़ से उनको टिकट दिया है। सेम स्थिति यहाँ पर इनकी है, जो यहाँ पर यह अंजना है, इनको भी टिकट मिल चुका है निम्बाड़ा से, इनको भी प्रत्याशी बनाया जा चुका है। अब जब प्रत्याशी जब इनको बना दिया गया है, तो सीधे तौर पर है कि कहीं ना कहीं इसका जो है सामने वाली पार्टी जरूर लाभ उठाना चाहती है कि उनके उनको आरोपों के घेरे में ले सकती है, कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकती है, उनके ऊपर पहले जो किए हुए काम उनमें घोटालों के आरोप लगा सकती है। ये तमाम बातें उठ सकती है। अब सामने वाले प्रत्याशी जो है इसका कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं, ये जरूर देखा जाता है। इसी कारण से जो आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात पर है कि जो सवालिया निशान उठ रहे हैं वो कार्रवाई के ऊपर इसी तौर पर उठते हैं कि चुनावों से जब घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशियों का ऐलान चल रहा है, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, और उससे पहले जांच एजेंसियां जिस तरह से सक्रिय हुई राजस्थान में, उसको लेकर के जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पर हमलावर हो रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जी ताहिर, मेरे साथ मेरी सहयोगी अक्षिता जुड़ी है। अक्षिता, क्या अपडेट न्यूज रूम से अभी? अक्षिता, क्या अपडेट न्यूज रूम से खबर को लेके? न्यूज रूम से फिलहाल अभी यही अपडेट है कि एक जैसे अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस में भी कई नेता हैं जो पार्टी बदल रहे हैं, भाजपा के नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब इस बीच में जब जैसे ईडी की रेड पड़ गई है, अब ईडी की रेड से इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तमाम अपडेट आते जा रहे हैं हमारे पास। तो सर मतलब क्या कह सकते हैं इससे इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ सकता है कि कांग्रेस के लिए कितना प्रोसेस? देखिए इसका देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही बात है। अगर आम लोगों की चर्चा का विषय समझा जाए तो सीधे तौर पर जांच एजेंसियां जब चुनाव से पहले सक्रिय होती है तो उनके ऊपर सवाल उठते हैं। आम पब्लिक के अंदर एक धारणा रहती है कि अचानक से ऐन वक्त पर चुनाव की जब घोषणा हो गई है, उस समय जब इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, तो उसको लेकर के चाहे आंजना के समर्थक हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक हो, उनके जाति के समीकरण वाले लोग हो, वो तमाम लोग इस पर सवाल उठाते हैं। तो अब इसमें लाभ और हानि की बात सीधे तौर पर यह है कि अगर इनकम टैक्स या ईडी कोई इस तरह का खुलासा करती है या कोई इस तरह का प्रेस नोट जारी करती है कि इनके यहाँ से इतनी कार्रवाई में ये कुछ सब कुछ मिला है, यानी ईडी में अगर कहीं प्रेस नोट जारी करके और ये सूचना देवे कि पेपर लीक के मामले में कहीं गोविंद सिंह डोटासरा या उनके रिश्तेदार या उनके कोई लोग शामिल हुए हैं या उसकी कोई जानकारी सामने आई है, तो सीधे तौर पर नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन अगर उसकी कोई जानकारी सामने निकल करके नहीं आती है, तो एक राजनीतिक और उसको सियासी घटनाक्रम मान करके राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जी ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी देने के लिए। जैसे कि अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि उदयलाल अंजना के ऑफिस में आयकर विभाग की कार्रवाई की खबर है ये अभी, और अभी ये थोड़ी देर में खबर कंफर्म भी हो सकती है। उदयलाल अंजना के यहाँ ईडी ऑफिस की आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है।
आप सबसे पहले देख रहे हैं इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मनोज जी, तमाम खबर पर निगाह बनाए हुए हैं और हम आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इस खबर के लिए और तमाम जानकारी अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए कि अभी आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या खबर आपको। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू ताहिर, थैंक यू अक्षिता।